हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूं परवीन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, बट बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। ये है एक डिजिटल वॉच। इसमें जो ये टाइम दिया हुआ होता है, कभी कभी वो टाइम चेंज हो रहता है या फिर सही नहीं होता है, जिसे हमें सेट करना होता है। तो इस वॉच में किस तरह से टाइम को सेट किया जाता है, तो ये बहुत ही इजी, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले इस इधर हम देखेंगे, ये यहाँ पे आपको दो बटन मिलता है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो फर्स्ट वाला बटन है राउंड शेप में, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टाइम शो होगा। फिर जस्ट हम इस नीचे वाला बटन, पहले इसे प्रेस करेंगे फिर ये इसे प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट मैंने इसे प्रेस किया, फिर सेकंड मैंने इसे प्रेस किया। अब जब ये 5 जो है ये आवर्स शो करता है, ये जब ब्लिंक करने लगता है तब इसे हम चेंज कर सकते हैं जितना भी चाहें उतना। अब हम ऊपर वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, सर्किल वाला, जिससे कि आवर की टाइमिंग चेंज हो रही है। देखिए जितना भी टाइम हमें चाहिए, हमें 12:05 था, मैंने 12 कर दिया, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया। तो इस तरह से अगर हमें मिनट चेंज करना है तो फिर हम एक बार और इसे प्रेस करेंगे नीचे वाले बटन को, तो ये मिनट वाले पे ब्लिंग हो रहा है। अब हम ऊपर वाले बटन से यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये मिनट को चेंज करेगा इस तरह से, ठीक है। और फिर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये जब ऑफ हो गया तो ये टाइम जो है वो जो हमने 3:20 सेट किया था वो सेट हो चुका है, ये देखिए। फिर अगर हमें इसे चेंज करना है तो फिर हम पहले इसे प्रेस करेंगे, फिर इसे प्रेस करेंगे, आवर वाला टाइम ब्लिंक करने लगा। अब ऊपर वाले इस बटन को जितनी बार प्रेस करेंगे उतना आवर चेंज होता जाएगा। और फिर अगर हमें मिनट भी चेंज करना है तो हम ये फिर से दोबारा से ये नीचे वाला बटन प्रेस करके फिर ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे और जो भी मिनट हमें चाहिए, जितना भी मिनट, उतने मिनट पे ला करके इसे सेट कर देंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काम की होगी जिन्हें नहीं पता कि कैसे टाइम सेट करते हैं। Thanks for watching.